Good morning, students. Already we are completed lessons 1 and 2, class 1. Today we are going to studying lesson 3, EVS, home and around. अपने मकान और उनके around में क्या क्या है वो सब कुछ हम आज पढ़ेंगे. Okay? First we are going to studying home. What is home? What is home? Look at the board. A house is a place where we live with our family. A house is a place where we live with our family. अपने family के साथ हम कहाँ रहता है उसको हम house कहता है. अपने family के साथ हम कहाँ रहता है उसको हम कहता है हाउस. ओके, नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट अस, कीप अस कंफर्टेबली. हाँ, एक हाउस, एक घर, एक मकान हमको क्या क्या कैसे उसमें रहने के लिए हमको क्या होता है. इट प्रोटेक्ट अस, कीप्स अस कंफर्टेबल. एक हाउस हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको कंफर्टेबली लगता है. व्हाट इज प्रोटेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्ट. सेव द डेंजर इंजुरी और एंड डैमेज. सेव द डेंजर इंजुरी और डैमेज. एक घर हमको ऐसे प्रोटेक्ट करता है, हमको डेंजर से बचाता है और डैमेज होने से भी बचाता है. नेक्स्ट कंफर्टेबली, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंफर्टेबली. बी रिलैक्स, एकदम हम मस्त, एकदम हम रिलैक्स रहता है अपने घर पे. ओके, नेक्स्ट देयर आर मेनी रूम्स इन आवर हाउस. अपने घर पे हमको अलग अलग रूम्स होते हैं, है ना. आप लोग का सबका घर पे अलग अलग कमरा है या नहीं है, है ना. सबके घर पे अलग अलग कमरा होता है, रूम्स होता है. तो हम पढ़ेंगे उसके बाद में कौन से रूम्स होता है. हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन आवर हाउस. देयर आर सिक्स हाउस इन सिक्स रूम्स इन आवर हाउस. फर्स्ट लिविंग रूम. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी लिविंग रूम. व्हाट इज लिविंग रूम. फैमिली सिटिंग एंड रिलैक्स एंड वॉच टेलीविजन. हम फैमिली सब मिलके, पापा मम्मी बच्चा सब मिलके जो रूम में बैठ के हम टीवी देखते हैं, बातें करता है. कोई हमारा रिलेशंस आते हैं तब उनको भी बिठाता है, वही रूम को हम कहता है लिविंग रूम. कौन से रूम होते हैं, लिविंग रूम. ओके, जो लिविंग रूम होता है फैमिली मेंबर सिटिंग एंड रिलैक्स एंड वॉचिंग टेलीविजन. ओके, नेक्स्ट रूम स्टडी रूम. व्हाट इज स्टडी रूम. चिल्ड्रन स्टडी एंड डूइंग हर होमवर्क. ओके, चिल्ड्रन डूइंग हर होमवर्क एंड स्टडीइंग दिस रूम, स्टडी रूम. और जो बच्चा बैठ के पढ़ता है वो उनको हम स्टडी रूम कहता है. नेक्स्ट किचन. पेरेंट्स कुक फूड हियर. पेरेंट्स, पापा मम्मी है, पेरेंट्स है, मम्मी है, पापा है, जो भी है, वो खाना बनाने का जगह उसको बोलते हैं हम किचन. नेक्स्ट डाइनिंग रूम. फैमिली मेंबर्स ईट हियर. जो डाइनिंग रूम होता है उधर बैठ के हम खाना खाते हैं. नेक्स्ट बेडरूम. फैमिली मेंबर्स रेस्ट एंड स्लीपिंग हियर. हैं जो मेंबर्स हैं हम सब सोने के लिए जो रूम में हम सोते हैं उसी रूम में हम कहता है बेडरूम्स. नेक्स्ट बाथरूम. फैमिली मेंबर्स बाथ्स है. जो मेंबर्स है सब नहाने के लिए ही वो टॉयलेट करने के लिए जो जाता है उसको हम कहता है बाथरूम. ओके, नेक्स्ट एवरी हाउस इज स्पेशल टू द पीपल हु लिव इन इट. हर घर मकान सबको स्पेशल होता है. हर घर सबको क्या होता है, स्पेशल होता है. नेक्स्ट ए हाउस गिव्स अस शेल्टर एंड कीप्स अस सेफ. एक मकान हम सबको शेल्टर एंड कीप्स अस हमको सेफ रख देता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन स्ट्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थिंग्स. हमको सेव करता है गर्मी से, ठंडी से और बारिश से और
शोरूम से हमको बचा के रखता है। ओके नेक्स्ट वो हमारा घर हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, जो हमको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानियों से हमको बचा के रखता है हमारा मकान। ओके नेक्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, दो टाइप की मकान होता है। देखो हम देखेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ हाउसेस क्या क्या है। ओके फर्स्ट वन कच्चा हाउस, सेकंड वन पक्का हाउस। फर्स्ट वन क्या है? कच्चा हाउस, सेकंड वन पक्का हाउस। एक कच्चा हाउस, व्हाट इज कच्चा हाउस? एक कच्चा हाउस क्या होता है हम देखेंगे। कच्चा हाउस आर मेड विद मड वुड बांबू एंड स्ट्रॉ। कच्चा हाउस आर मेड विद मड वुड बांबू एंड स्ट्रॉ। कच्चा हाउस बनाते हैं मिट्टी से, बांबू से और लकड़ी से और स्ट्रॉ से बनता है कच्चा हाउस। उसका एग्जाम्पल है हट्स बांबू। छोटा छोटा जो मकान से वो मिट्टी से बनता है, जो बांबू से बनता है उसको हम कहता है कच्चा हाउस। नेक्स्ट वन पक्का हाउस, सेकंड वन पक्का हाउस। पक्का हाउस आर मेड विद सीमेंट एंड ब्रिक्स। पक्का हाउस आर मेड विद सीमेंट एंड ब्रिक्स। एग्जाम्पल बंगलोस एंड अपार्टमेंट। अभी जो हमारा मकान है एकदम पक्का हाउस होता है, पक्का हाउस है जो हम बनता है सीमेंट और ब्रिक्स से, एकदम पक्का हाउस बनता है। कुछ गांव के अंदर होता है कच्चा हाउस, वो मिट्टी से जो बनता है। ओके समझ में आ गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। व्हाट इज कच्चा हाउस? आर मेड बाय मिट्टी मड एंड वुड एंड बांबूस। नेक्स्ट पक्का हाउस, व्हाट इज पक्का हाउस? पक्का हाउस आर मेड सीमेंट एंड ब्रिक्स। वो उसके एग्जाम्पल होते हैं बंगलोस एंड अपार्टमेंट। छोटा छोटा मकान होता है वो सीमेंट और ब्रिक्स से बनता है। ओके स्टार्ट। ओके नेक्स्ट नेबरहुड, अपने नेबरहुड के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके उससे पहले हम पढ़ेंगे नेबर्स। द पीपल हु लिव नियर वन्स हाउस आर कॉल्ड नेबर्स। द पीपल हु लिव नियर वन्स हाउस आर कॉल्ड नेबर्स। अपना पड़ोस में जो रहता है उसको हम कहता है नेबर्स, पड़ोसी, अपनी पड़ोसी, पड़ोस में जो रहता है। द पीपल हु लिव नियर, जो अपने पास में, अपने बगल में, अपने सामने, जो अपने हाउस के पास में जो रहता है, जो पड़ोसी है, उसको हम कहता है नेबर्स, अपना पड़ोसी। द पीपल हु लिव नियर वन्स हाउस आर कॉल्ड नेबर्स। जो अपना पड़ोस में, जो अपना पड़ोसी है उसको वो ही है, ठीक है। द पीपल हु लिव्स वन हाउस आर कॉल्ड नेबर्स। नेक्स्ट द प्लेसेस नियर वन्स हाउस मेक अप द नेबरहुड। अपना अड़ोसी पड़ोसी में जो प्लेसेस होता है उसको कहता है हम नेबरहुड। द प्लेसेस नियर वन्स हाउस मेक अप द नेबरहुड। अपना पास में जो भी प्लेसेस है, जो भी प्लेसेस है उसको हम कहता है नेबरहुड। एग्जाम्पल दीज प्लेसेस हेल्प अस लिव हम कंफर्टेबली। दीज प्लेसेस हेल्प अस लिव कंफर्टेबली। हमको एकदम रिलैक्स रहने के लिए जो हमारा पड़ोसी, हमारा नेबरहुड हमको यूज में आता है। देयर आर मेनी सच प्लेसेस इन ए नेबरहुड। बहुत ज़्यादा प्लेसेस अपने नेबरहुड में होता है। जो हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस क्या है? पोस्ट ऑफिस, व्हाट इज पोस्ट ऑफिस? डाक घर, जो चिट्ठियाँ लिखे डालते हैं वो उधर जाते हैं, जो पोस्ट ऑफिस। सेकंड है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन हम जाते हैं। थर्ड वन स्कूल, स्कूल स्कूल
फोर्थ हॉस्पिटल, फिफ्थ मार्केट, जो हम सब्जी लेने सामान लेने जाते हैं जो मार्केट, और बैंक। सबको जानते हैं क्या क्या है, फर्स्ट नेबरहुड, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एंड बैंक। यूकेजी में हम इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा चुका है, बहुत ज्यादा है, ये इतना ही नहीं है, उसमें भी ज्यादा होता है, अपने आसपास नेबरहुड प्लेसेस। ओके, तो हम इसमें हम बहुत कुछ पढ़ लिया, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, बैंक है, इसके बारे में और भी बहुत ज्यादा जगह होता है जो हमारा नेबरहुड है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक क्लीन नेबरहुड, इसे हेल्थी नेबरहुड, हम एकदम साफ सफाई से अपना नेबरहुड को रखेंगे तो हम एकदम हेल्थी नेबरहुड हमको मिल जाएगा। ओके, वी कैन कीप अवर नेबरहुड क्लीन बाय थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन। जो अपना नेबरहुड नेबरहुड हमने बताया था प्लेसेस है ना, द प्लेसेस नियर वन्स हाउस मेक अप द नेबरहुड। जो नेबरहुड प्लेसेस है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, बैंक। ओके, ये इसके बारे में हम इसकी क्लीनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी गार्बेज जो भी कचरा है उसको हम कहाँ डालना है, डस्टबिन में। देखो अपने स्कूल में हम डस्टबिन में कचरा डालते हैं या नहीं, है ना, अपने स्कूल में भी हम कचरा कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। ओके, वैसे की वैसे सारे अपने नेबरहुड में जो भी है गार्बेज हम कहाँ डालना है, डस्टबिन में। ओके, वी कैन कीप अवर नेबरहुड एकदम साफ सफाई से अपना नेबरहुड को हम रखना है, थ्रूइंग गार्बेज इन द डस्टबिन। जो भी कचरा है, जो भी है, वो सारे कचरा को हम कहाँ डालना है, अपना उधर डस्टबिन रखा हुआ है उसमें हम डालेंगे। जो देखो एक नेबरहुड होता है पार्क, आप लोग खेलने जाते हैं जो पार्क में, उधर जाके आप लोग कुछ ना कुछ तो खाते हैं, उसमें जो कचरा आ जाती है वो कचरा हम वही फटक के नहीं जाना है, कहाँ डालना है, डस्टबिन में। नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, हम ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है तो हम उधर बैठ के कुछ खाते हैं, ट्रेन के अंदर बैठ के कुछ खाते हैं, तो हम उसको कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है। ओके, हम हमारा नेबरहुड को क्लीनिंग रखना है। ओके, वी कैन ऑल्सो कीप द नेबरहुड ग्रीन बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज। अपना नेबरहुड में, अपना अड़ोस पड़ोस का जगह में हम और क्या करना है, ऑल्सो कीप द नेबरहुड ग्रीन, एकदम ग्रीन करना है। कैसे करेंगे हम ग्रीन, प्लांटिंग मोर ट्रीज, बहुत ज्यादा प्लांट्स ट्रीज लगा के अपना आसपास पड़ोस को हम एकदम ग्रीन करना है। समझ में आ गया आप लोगों को क्या है नेबरहुड, वंस मोर आई एम एक्सप्लेनिंग नेबरहुड, नेबरहुड अपना अड़ोसी पड़ोसी का प्लेसेस होता है। द पीपल हु लिव्स नियर वंस हाउस आर कॉल्ड द नेबर्स, जो अपना पड़ोसी। ओके, नेक्स्ट है द प्लेसेस नियर वंस हाउस मेक अप द नेबरहुड। एक प्लेस होती है अपना पड़ोस में, प्लेसेस अलग अलग जगह होता है उसको हम कहता है नेबरहुड। क्या क्या नेबरहुड के बारे में हमने पढ़ लिया, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एंड बैंक है, ये इतना इतना नहीं है, इसमें भी ज्यादा है, मैंने आपको और बोला था पार्क और रेलवे स्टेशन है, ऐसे बहुत ज्यादा जगह होती है हमारा नेबरहुड। उस सारे जगह में हम कैसे उसको रखना है, क्लीन अप, एकदम क्लीन रखना चाहिए, जो भी जगह है उसमें जो भी कचरा है उसको हम कहाँ पटकना है, डस्टबिन में डालना है। ओके, तो एकदम हमारा नेबरहुड सारे कैसे होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ऐसे ही है हमारा घर भी, हम क्लीनिंग रखना चाहिए। ओके, आप लोग आर यू अंडरस्टैंड, फॉर द फ्यू स्टूडेंट्स आर यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, बाय।